हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार जो PTT की यहाँ पर जो आपको पता होगा यहाँ पर 4 ईयर यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और उनके लिए कॉलेज लिस्ट कैसे निकाले, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट आपकी जो है कॉलेज लिस्ट आप किस तरीके से निकाल पाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट की किस तरीके से आप अपनी कॉलेज लिस्ट निकाल पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे, साथ में कितनी सीट्स अवेलेबल है, उसमें वो पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। और दोस्तों, सीट भी देख सकते हो, कॉलेज भी देख सकते हो, कॉलेज का एड्रेस भी ले सकते हो, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना होगा। यहाँ पर सर्च करना होगा साला दर्पण इंटर्नशिप। क्या करना होगा? साला दर्पण इंटर्नशिप आप यहाँ पर सर्च करना होगा। जैसे यहाँ पर सर्च करते हो, इसके बाद में ये पेज यहाँ पर जो है वेबसाइट यहाँ पर सामने देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो rajsaladarpan.nice.in पर आपको क्लिक करना होगा। मेन वेबसाइट पर क्लिक करना होगा, कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में बात यह है कि आपको कॉलेज लिस्ट कैसे निकालनी है, भले ही वो BA BSc BA BEd की या फिर BST, वो BA BEd BSc BEd, या फिर अगर BEd की भी निकालना चाहते हो, केवल 2 ईयर BEd वालों की निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो, सब कुछ आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक जूम करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इंस्टीट्यूट लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। क्या इंस्टीट्यूट लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हो। दोस्तों, जितनी सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। कोर्स आपको सेलेक्ट करना होगी, BEd 2 ईयर का कर रहे हो या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो BA BSc BEd आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको इसके साथ में अगर आप BSc BEd कर रहे हो तो BSc BEd कर सकते हो, या फिर BA BEd कर रहे हो तो ये BA BEd का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इनको आपको फिल कर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा और भी DLED है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसके बाद में जो कैप्चर कोड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो गाइस, आपको कैप्चर कोड नंबर जो भी आपको देखने को यहाँ पर मिले वो कैप्चर कोड नंबर तो आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए मैंने फिल कर दिया। इसके बाद में सर्च पर क्लिक करूँगा। जैसे सर्च पर क्लिक करूँगा हमारे सामने लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 1 2 3 ऐसे करके सीरियल नंबर, साथ में इंस्टीट्यूट जो है वो कोड यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोड, और साथ में इंस्टीट्यूट नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉलेज नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो एड्रेस यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा उसके, और साथ में सीट्स कितने अवेलेबल है उसमें वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख पा रहे होंगे 50 सीट अवेलेबल है, और हमारे सामने जो यहाँ पर आकाश संदीप PG गर्ल्स कॉलेज है उसमें 50 सीट अवेलेबल है। ये कहाँ पर है? मानसरोवर है। तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, सीट्स मिल जाएगी, कॉलेज नाम मिल जाएगा, साथ में कॉलेज की जो GMAIL ID है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से आप सभी यहाँ पर जो भी है सीट के अनुसार यहाँ देखिए, इस कॉलेज में 100 सीट अवेलेबल है, एड्रेस देख सकते हो यहाँ पर, और इसके साथ में कॉलेज नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप सभी कॉलेज लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कि सब कितनी कॉलेज हैं यहाँ पर आपको। या जैसे कि जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में 6 यहाँ पर 63 कॉलेज है, 63 कॉलेज में आपको सब कुछ मिल जाएगी। विवेकानंद महाविद्यालय है जो काला यहाँ पर कालू का बास तिगारिया चोमू है, इसकी सीट अवेलेबल है 50, और इसमें GMAIL ID देख सकते हो, साथ में सीट यहाँ पर 100 है। तो ऐसे करके सभी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर है वो कॉलेज लिस्ट चेक कर सकते हो, कंप्लीट इस तरीके से आप निकाल सकते हो, भले BEd की भी निकाल रहे हो, इंटीग्रेटेड कोर्स की भी निकाल रहे हो, तो अपनी कॉलेज लिस्ट बना लीजिएगा। इससे क्या आसानी होगी आपको, एक आसानी होगी कि आपको जो भी है अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप इनमें से चुन लीजिए कि हाँ ये मेन सिटी को छोड़ के अलग से यहाँ पर है कॉलेज, तो उनमें मिल जाएगा वो सिटी। आप एक क्रम वाइज आप सेट कर लीजिए और उसमें जो प्रथम वरीयता दोगे वो अपने नज़दीक की कॉलेज को देना, जिससे आपके चांसेस ज़्यादा हो कि हाँ ये मिल जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से अपने कॉलेज लिस्ट निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।